¿Verdad? ¿De qué me era que es más basura de clara? Chica. ¿De qué? Pero yo me quedé en los nichos. ¿Y el teléfono? ये देखो इतना आ रहा है, सही है? और अगर मैं खड़ी हूँ तो चेस्ट को बस के साथ चलेगा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये खड़े होने में आसानी है कि काम करना ये टेबल ना ये और वो ये कवर्ड है मतलब नहीं आ रहा मतलब आ रहा है मतलब कैमरा उसे कवर कर रहा है इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लो जूम कर लो थोड़ा बहुत और जूम करो देखो फिक्स कर लो कुछ 62 मिनट्स रहते हैं पिछले वाली डिलीट की थी तुमने नहीं कर देंगे सॉरी मैं चल रहा हूं चलो Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Zindagi kafi slow chal rahi thi, depressive chal rahi thi, karne ko bahut kuch tha, par kuch bhi nahi tha. Darmiyan mein kafi break li in sab cheezon se, painting parents ke channel se bahut arsa door rahe. Lekin maza nahi aaya na, baat to wahi hai ki दिल दिमाग कहीं भी सेट नहीं हो रहा था फिर समझ से बालातर चीज़ों के सोचने की कोशिश की दिमाग में और ख़राबी मचाई पेंडिंग पेरेंट्स चैनल को वापस से चलाने के आइडियाज़ आए लेकिन खुद काम करने का दिल नहीं था सो एक गेस्ट पेंटर को बुलाया और उसके साथ हेल्प की वीडियोग्राफी में और वीडियो एडिटिंग में प्लस थोड़ी थोड़ी कहीं पेंटिंग में उसकी ज़रूरत उसको ज़रूरत होती थी तो हम कर लेते थे और ये हम फ्लोर ड्रॉ से प्रिपेयर कर रहे हैं Thank you.
सही लग गए। अब हम ये डाल कर चुके हैं, ठीक। साइडें नहीं भूलनी, हर चीज़ को साइड बाय साइड लेके चलना है। वो अमेजिंग थेरेपी का पूरी डाल थेरेपी के अंदर से कलर निकलता हुआ इतना अच्छा लगता है। ऑरेंज पीच डन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कलर की तरफ। Yellow orange and yellow. Yellow. ये हमारी पेंटिंग के कलर्स को फाइनलाइज करते हैं। दैट्स इट, दैट्स परफेक्टली इट।
I'm starting to paint now. So, good vibes only. Got it? अब हम ट्राई करते हैं यार. मुझे तो पता समझ नहीं आ रही है फ्लैट ब्रश यूज़ करें. आज तक समझ नहीं आई है लिखने के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ करूँ या राउंड ब्रश. कभी राउंड ब्रश अच्छा काम कर जाता है तो कभी फ्लैट ब्रश. तो आई एम स्टार्टिंग विद फ्लैट ब्रश. अब देखते हैं कितना एक हमारा काम ख़राब होता है. ऐसा एक प्रो टिप है कि लिखने के लिए जब भी ब्रश यूज़ करें ना वो होना चाहिए ड्राई ब्रश. और पेंट जितना थिक इस्तेमाल नहीं करें, उसको वाटर बेस्ड ना बनाने दें. आज ज़रा डिफरेंट स्टाइल में वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. ऑडियो भी वीडियो भी तो मज़ा आ रहा है. साथ साथ आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, इसलिए it's good, it's fun. आप लोग भी कमेंट्स में अपने शेयर करें कि आपका क्या ख्याल है कि जब लाइफ डिप्रेशन स्ट्राइक करे या आपको डाउन करने की कोशिश करे. लाइफ नहीं, लाइफ तो नहीं करती, लोग करते हैं घर के. आपकी अपनी सोच करती है, आपकी ओवर थिंकिंग आपको डाउन करती है. लेकिन शेयर करें कि आप उस लोग उस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं. ठीक है, क्या पता मुझ जैसे लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ आप लोगों से. आप लोग हमारी मोटिवेशन बन रहे हैं. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमने सीखा कि गुड वाइब्स ओनली. पेंट ब्रश ड्राई रखने का फायदा अभी तक हो रहा है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. It's nice. It's good. It's nice because good vibes only. So far, so good. यार पता है मसला क्या है, मैं डाउन क्यों हूँ. चलो इंसान खुद की अपनी सोचों चीज़ों में तो होता ही होता है, लेकिन जब वो इस कंडीशन में आया हुआ होता है ना, मेंटल कंडीशन में, तो उसको हर चीज़ 10 times ज़्यादा फील हो रही होती है. मतलब अगर नॉर्मली वो अपने फ्रेंड से मिलता है, उनको ज़िंदगी से उताया हुआ देखता है, तो ठीक है वो परेशान होता है. लेकिन अगर वो इस टाइम में अपने फ्रेंड से मिल रहा है और उनको परेशान देख रहा है, उनमें से वो एनर्जी गई भी देख रहा है ना, इंसान तो बैठ ही जाता है. फिर वो कहता है कि सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया ऐसी चल रही है और ऐसे ही चलेगी और अब कुछ ठीक नहीं हो सकता. सो हर बारी खुद ही खड़े होना और अपने साथ साथ उन लोगों को भी खड़ा करना है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, जिनको आप ऐसे डाउन नहीं देख सकते. सो लगे रहिए. देखिए ज़िंदगी तो गुजारनी है, हंस के गुजारें, रो के गुजारें,
अभी हमारे ऊपर है। यार इस वी को सेट करने के चक्कर में ना काम ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इसलिए जितना होता है ना बस इसको करें और छोड़ दें। क्योंकि पेंटिंग में मैंने यही सीखा यार, जितना सेट करने के चक्कर में आप पड़ते हो उतना काम ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। डांसिंग सा आएगा भी आप, इट्स ओके। यार सॉरी, कैनवस को ना कभी कभी ऐसे रोटेट कर करके आपको चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, तो सॉरी कि हम वीडियो में कैनवस मैं तो बहुत घुमाती हूँ। मज़ीद रिकॉर्ड कर, और ये सोच से ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ये पेंटिंग प्रोसेस। इट्स फन, येट अगर लंबा हो जाए ना इंसान थक जाता है। आर्टिस्ट इंसान होता, आप लोग समझते हैं कि हम लोग ना हर चीज़ वो परफेक्ट बनेगी, लाइक गलती तो आर्टिस्ट से हो ही नहीं सकती, लेकिन आर्टिस्ट भी इंसान होता है तो गलती के चांसेस हैं। दो वो अपनी ऑडियंस को या अपने उन लोगों को कभी शो नहीं कराता कि उसकी पेंटिंग में या उसकी आर्ट में गलतियाँ हैं, लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि उसने कुछ ना कुछ कमी, कुछ ज़्यादती छोड़ दी है, हो गई है उससे। तो आर्टिस्ट को भी एज दिया करे, उसको वो भी इंसान होता है।
हर प्रोसेस जिंदगी का, यानी आर्ट से रिलेटेड जिंदगी का हर प्रोसेस ना डिफरेंट, किसी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एंड जब होता है ना हर चीज़ का, इंसान किनारे लग जाता है और हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है। लेकिन जब चीज़ एक दफ़ा एंड हो जाए ना, तो उसे लगता है जब वो न्यू लर्नर्स को या कोई भी उस फेस से उसके बाद गुजरा, उसे वो हंसता है उस पर, कहता है अभी रो रहे हैं, बाद में ये भी हंसेगा कि जिस चीज़ को वो मुश्किल कहता था वो मुश्किल थी नहीं, वो बस उसकी सोच थी उस टाइम के लिए। सो बंधे रहिए, लगे रहिए, आप भी एक दिन काम आपको। सेल को भी हो रहा है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। बीच में बहुत खामोशी हो जाती है क्योंकि हमेशा की तरह ऐसे कैसे हो सकता है, मैं काम कर रही हूँ और पेट ब्रश ना मिले, तो ये हो गया और आपके सामने हो गया। आज तो इसको क्लीन करते हैं एक और ब्रश से, और उनके साथ इस पेंट को हम उठा लेते हैं। आई नो इट्स ब्लैक एंड अब तो मेरी जान लेके ही छोड़ूंगा, लेकिन चलो कोई नहीं, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। थोड़े वही लाइफ में होता है, गुड वाइब्स में भी ऐसे होता है, तो फिक्र नहीं करनी किसी चीज़ की, इसको हम अभी कलर से कनेक्ट करते हैं और अपनी उंगली को तो फिनिश करेंगे। इस पे हम ऑरेंज पेंट से कुछ ना कुछ फिक्स कर ही देंगे, ठीक। आई थिंक ये भी रेड होना चाहिए और वो भी रेड, सो लेट इट ड्राई। बाकी कुछ इधर उधर हो गई है तो उसको देख लेते हैं, जैसे कि ये फिल्म वैसे इनकम्प्लीट सी लग रही है। That's pretty much it. ज़्यादा छेड़ेंगे तो ज़्यादा काम करा लेंगे। तो अब हम मिस्टर पेरेंट को अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं।
क्योंकि जब भी हम कोई काम खराब करते हैं तो मिस्टर पेरेंट से रुझू करते हैं। अब इसको क्या होया?
ये भी कर लें कि मैंने इसे बता दिया कि हम डिसाइड कर लिए कि मुझे बता दें मैं कर लेती हूँ अपने टीम में क्योंकि हर तरफ से काम ठीक है पतली सी जगह इसको ज़्यादा पानी फुल रख रहे हैं ये पानी है ये पेंट है और ये फ्लोट हाँ ज़्यादा फाइन करके ना मतलब फ्लोई सा हो पानी मतलब ये चीज़ फ्लूइड करके है ठीक है मतलब इसमें इतनी भी लेकिन इतनी भी नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट सी हो गया थोड़ा सा वाइट ये कंसिस्टेंसी है ठीक है
ठीक है, फ्लूइड रोल बहुत थोड़ा सा, ज़्यादातर पानी और पेंट ही है, और ये ब्रश भर जाता है, और इसको इसकी टिप बस रखो ना तो ये ऐसे, हाँ ऐसे ये, और इसके मल्टीपल लेयर से लगा सकते हैं, मतलब एक लेयर अगर सूख के वो हो जाए ना थोड़ी सी हल्की हो जाए तो मैं दूसरी लेयर इस तरह से पहले हल्की हो गई थी दूसरी लेयर, ठीक है। अब मुझे देख के अंदर भी है करें के देख ना के अंदर ना करें वो भी काफ़ी है इतना हो गया, हाँ आगे उस तरफ नहीं लेकर उसकी लेफ्ट तरफ, उसकी लेफ्ट नहीं मतलब सारों पे करना, मतलब के अंदर मैं सोच रहा था कि ना नहीं नहीं अंदर नहीं बाहर, अरे बाहर ही ये काफ़ी जूम इन हुआ हुआ, इसको बाहर से पकड़ लो ना, इसको कैनवास को उधर पकड़ लो तो खैर है, ठीक है बढ़िया थी, और सो बस इसकी टिप टच करोगी तो वो पेन खुद ही हो जाएगा। अच्छा भाई कितने रुपए लानी है? 5 लानी है आपकी निकाल के, और अगर आपने शाम तक कोई इंक खानी है तो आपको मिला लाना, कैसे खाना है अभी धुल गया था क्या? कौन से ठीक है, और ये कहीं पे अगर लग जाए ना, क्योंकि ये पानी पानी है तो तुम ना खाली इस ब्रश को गीला करके, इस ब्रश को गीला करके उस जगह पे करोगे तो ये ब्रश बस हल्का गीला करके गुड गुड, ये सही लग रहा है मतलब ऊपर वो करके आई थिंक गुड है, नीचे थोड़ा ज़्यादा जैसे सस्पेंडेड है ऐसे रहे, गुड के भी नीचे भी ऐसे करूँगी और उस पर चपारी को आएगी, ठीक है तो फिर यूँ करते हैं ना, एक वो लगा लेते हैं, एक और कोट कर दो उस पर नीचे वाले पर, नहीं 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 इसके नीचे ना 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 यही यही मसला है, मसला मसला करो साफ करो, ठीक है मोबाइल भी कह रहे पेंटिंग बना रहे मोबाइल भी है नहीं आना Oopsie. इसलिए था और नीचे से अभी वो ही रहे मतलब हल्का सा ग्रेडियंट्स सा रहे, ठीक है जो बिल्कुल बाउंड्री है ना यहाँ पे जिस तरह से इसकी बाउंड्री के ऊपर है ना वाइट डार्क वाइट फुल वाइट उसी तरह से ओपेक वाइट उसी तरह से इनकी बाउंड्रीज के ऊपर ओपेक वाइट हो और बाकी जो ये है ना ये हल्का इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके ग्रेडियंट कर, ठीक है मैं अभी सिर्फ बाउंड्रीज बना लेती हूँ आप आएंगे तो ग्रेडियंट नीचे डाल देंगे, वुड की भी सिर्फ बाउंड्रीज बना देती हूँ, ठीक है ओके ओनली पे फिक्स है आप गुड पे कर दो, इसको करके बाहर से कुंडी लगा के ज़्यादा मैं लॉक कर दूँगी बाद में,
हो गया गुड अभी ही ब्लैक के ऊपर कर रही हो ब्लैक को छोड़ के अगर नहीं ब्लैक को छोड़ के किया लेकिन जो खराबियां थी उनको थोड़ा सा सेट किया ठीक है ना अब ये जो ब्रश बचा है इसको नीचे करें ये था मेरे में हमने क्या नहीं ये डाला है क्योंकि वाई का आपने किया तो बैलेंस वाई का हाँ सही किया आपने सही किया ये रखना था जब ब्रश कर रही थी वो खराब हो गया था फिर मैंने उसको मोटाई कर दिया ठीक है क्योंकि जॉइनिंग राइटिंग में होता है ना ये फनी होता है लेकिन ये तो किया शेक दे रही थी इसीलिए फिर यहाँ पे नहीं किया नहीं क्या अंदर कर दो अंदर मुझे कभी महसूस हो रही है ठीक है एक मिनट शहनाज बजी एक मिनट चलो फिर हसन को संभालो वो नहीं संभालेगा झाड़ू भी अपने अभी नहीं लगवाती नहीं करवाती ओके बाय बाय शहनाज बाजी यहाँ का रहने दे झाड़ू हाँ अभी काम फैलाया हुआ ना इसलिए हाँ इस्तेमाल तो वैसे नहीं होता दे दिया मैंने ग्रेडियंट नहीं लगवाना मैंने पेंटिंग कर रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी नहीं रखवा रही काम करना तो मुझे काम नहीं करने से बंद करो दरवाजा हसन आ जाएगा फिर से स्टार्ट बच्चा हो गया नानों के हवाले और अब बनाते हैं छोटे से हाथ होपफुली इससे बन जाएगा
but I think not. I'm just going to destroy the shoes coming out. So hopefully this chota brush se ye hard type cheese come jaane chahiye. Okay. This will be coming through. ये दिल भी ना हमारी दिलों की तरह ही बन गया. कोई नहीं, इट्स ओके. अब हम ग्रीन शेड के साथ पेटल्स बनाने के लिए कुछ लाएंगे. गुड हो गया. और एक छोटी सी पैटर्न इसके एंड में. सेम दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है. कभी भी ना स्ट्रोक उल्टी नहीं करना चाहिए. कौन खराबी होता है ये आप इधर मुलाहिजा फरमा सकते हैं. उल्टी स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ. मैं वही बात फिर से कराऊंगी कि आर्टिस्ट भी इंसान ही होता है. इससे बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं. सो इग्नोर करें. इग्नोरेंस इज अ ब्लेस. गुड हो गया जी. ये ज़रा जूम कर लें आप लोग. और दिस यहाँ से मिरर देने जा रहा है इसलिए मैंने तो मेरा रिमूव हो रहा था. दिखाई तो नहीं था. कितने बजे पानी ऐड कर लो.
वाइट ऐड किया था ना लेकिन वाइट का मतलब क्योंकि वो वाइट वहाँ पे है ना पानी ऐड करें फिर हो जाएगा तो थोड़ा सा एक लेयर ना मोटी लगाओ अभी भी वो पेंसिल नजर आ रही है नहीं पेंसिल तो भूल गई हाँ पेंसिल तो भूल जाओ हाँ पेंसिल भूल जाओ लुक ठीक है एक थोड़ी सी मोटी लेयर लगा लो ना खाली मोटी लेयर खराबी करेगी मोटी लेयर खराबी करेगी यही तो मैं कह रहा हूँ चलो कोई नहीं कर दो मुझे इस टोन में कर कर दो भी वाला पहले येलो था पहले पीच था ऑरेंज स्टाइल की येलो में मैंने येलो ऐड करा था फिर ये येलो खत्म हो जाएगा ऑरेंज शायद अच्छा अलग से हल्का सा येलो कर लो पानी वाला येलो क्यों क्यों ऊपर नहीं करना इसको और कुछ नहीं बस पीच में बैठ गया हो गया मैं ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारी ये क्या चीज तुम्हारी ये उल्टी हरकतें क्या मतलब ये उल्टा मुझे अच्छा नहीं लग रहा इन्वर्टेड इमेज देखो बहुत भयानक पैथेटिक एब्सोल्युटली बैड या ऐसे भी ठीक है खाली बाउंड्री वाला अंदर से खाली ऊपर से जाली
ठीक है ना, जितना कम दिल नजर आए ना उतना ठीक है. आई एम गुड विद इट. अभी तो जान बुझ के रखे हैं. रोने लग जाते हो. ये देखो भाई, दिल ना मुझे नहीं पसंद, दिल बनाना नहीं पसंद. मजा नहीं आया. तो वो लाइट कलर हो जाएगा या डार्क हो गया? अभी ये नहीं समझ में आ रही. डार्क अच्छा नहीं लगा ना इस पे, तो मैं इसलिए लाइट करोगी. ये लाइट बैकग्राउंड से भी लाइट. हाँ, क्योंकि वो फिर वाइट के कंट्रास्ट में चला जाएगा. व्हाट से इतना पहला वो जो बैकग्राउंड में वो आ रहा है ना हमारे वाइट इन इन चीजों. गुड हो गया, वाइब्स हो गई, ओनली हो गया. और ये हम करते हैं बंद. सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं. ये देखें जी, गुड वाइब्स ओनली. डन हो गया. ये हो गया जूम आउट और ये हो गया जूम इन, बिकॉज गुड वाइब्स ओनली.